रेलवे बजट में क्या खास हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे को इकॉनमी का ग्रोथ इंजन मानते हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार ने जितने भी बजट पेश किए हैं, रेलवे को मिलने वाली एलोकेशन में हमें इजाफा ही देखने को मिला है। इस बार भी भले ही अंतरिम बजट हो, लेकिन सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि रेलवे को मिलने वाले एलोकेशन में 20 से 25% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। अगर अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो 3 लाख करोड़ रुपये का एलोकेशन रेलवे को इस बार मिल सकता है। प्रायोरिटी जाहिर तौर पर रहेगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन, खासतौर पर वंदे भारत का सफल रोल आउट किया जाए। रेलवे की तरफ से टारगेट रखा गया है कि अगले 3 साल में 400 वंदे भारत रोल आउट की जाएंगी। इसके अलावा अमृत भारत ट्रेनों की बात की जाए तो इनकी संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जा सकता है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से इलेक्ट्रिफिकेशन के काम पर वित्त मंत्री की प्राथमिकता दिखाई दे सकती है। और साथ ही साथ कैपेसिटी ऑग्यूमेंटेशन के लिए जो ट्रैक्स का दोहरीकरण है उसके काम में तेजी लाई जाए, इसके लिए भी आवंटन बढ़ाया जा सकता है। सोर्सेस के मुताबिक इस तरह के जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए के से ज़्यादा की राशि एलोकेट वित्त मंत्री कर सकती है। इसके अलावा अगर हम यात्री सुविधाओं की बात करें तो यात्री सुविधाओं के हिसाब से खान पान को किस तरह से बेहतर किया जाए, जो ऑन बोर्ड सेवाएँ हैं उन्हें किस तरह से नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाया जाए, इस पर भी वित्त मंत्री का फोकस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सेफ्टी हमेशा से ही एक बड़ा चैलेंज रहा है रेलवे के लिए। इसी के मद्देनजर एक सेफ्टी फंड भी बनाया गया था। इसमें 11,000 करोड़ रुपए की राशि फिलहाल उपलब्ध कराई गई थी पिछले बजट में, लेकिन इस बार इस राशि को भी बढ़ाया जा सकता है। और खास तौर पर इसका इस्तेमाल जो कवच का इंस्टॉलेशन है इसके काम में तेजी लाए, इसके लिए किया जा सकता है।